हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल जोर यूट्यूब चैनल। आज है 20 अप्रैल और 20 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। विश्व विरासत दिवस यह अभी 18 अप्रैल को मनाया गया है। नेपाल के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात की मंजूरी प्रदान की है। और अभी देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस हैं और इंग्लैंड के नेट साइवरबेंड, इनको ब्रिस्बेन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नॉमिनेट किया गया है। भारत ने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाले एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। अभी देखिए, केजी जैन का निधन हो गया है और ये है संगीतकार। खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग में जो शीतल देवी हैं उन्होंने रजत पदक जीता है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में यह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी जो भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन ए का सही जवाब है। और इमेज जो आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। और भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। और देखिए, जो तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इनका जो सर्वोच्च सेनापति होता है भारत में वो है भारत का राष्ट्रपति। ठीक। और यदि जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करें तो देखिए, जो वंदिता कौल हैं इनको भी डाक विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वंदिता कौल को, राजीव सिंघल जो हैं इनको टाटा इंटरनेशनल के नए MD के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो श्रीनिवास पल्लिया हैं इनको भी विप्रो के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। किसके? विप्रो के। ठीक है। और देखिए, जो तीनों सेनाएं हैं भारत में उनके जो प्रमुख हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो थल सेना है भारत की यानी कि आर्मी, यह दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, यह आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो थल सेना प्रमुख हैं इनका नाम है मनोज पांडे। नौसेना प्रमुख अभी जल्द ही नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। और जो वायु सेना प्रमुख हैं इनका नाम है विवेक राम चौधरी। तो ये भारत में जो 3 प्रकार की सेना है इनके सेना प्रमुख आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो आप इनके जो सेना प्रमुख हैं इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया गया है। तो अभी जो 2024 में विश्व लीवर दिवस यानी कि वर्ल्ड लीवर डे है, यह मनाया गया है 19 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो लीवर है ये मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस रखे जाएँ ताकि इस पर कोई भयंकर बीमारी ना हो, लाइक लीवर कैंसर वगैरह, तो इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2024 में जो विश्व लीवर दिवस मनाया गया, इसकी थीम आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। सो इसकी थीम है अपने लीवर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें, कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। यह थीम है विश्व लीवर दिवस 2024 की। ठीक है। और देखिए, जो लीवर है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यह लीवर। और जो लीवर है यह हिपेटोसाइट्स नामक कोशिकाओं से बना होता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कोशिकाओं से बना होता है, तो हिपेटोसाइट्स। और यह मानव शरीर में पेट के दाईं ओर लोकेटेड होता है, यह भी आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ लीवर यानी कि लीवर का जो अध्ययन है ये क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है हिपेटोलॉजी। ये जो विटामिन ए है उसका भंडारण भी लीवर में होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन का भंडारण
लीवर में होता है, तो ये है आपका विटामिन ए। अमोनिया और यूरिया का निर्माण भी लीवर में होता है। एक बीमारी है हेपेटाइटिस, यह एक वायरल बीमारी है और यह भी लीवर में ही होती है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यह है आपका लीवर। ठीक, इतने फैक्ट आपको लीवर के बारे में पता होना चाहिए। 2024 में जो महत्वपूर्ण दिवस अप्रैल मंथ में मनाया गया है उन सभी को देख लेते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2024 की थीम है एम्पावरिंग आर्टिस्ट वॉइसेस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है, थीम है थिएटर और शांति के संस्कृत। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है, थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। और जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या है, भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की थीम क्या है, होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व जगास रोग दिवस मनाया गया है। विश्व जगास रोग दिवस जो मनाया गया है 2024 में, इसकी थीम है जगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया, थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टीवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस के रूप में मनाया गया है। सो इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं जो सेलिब्रेट किए गए हैं अप्रैल 2024 में। सो इनके जो थीम्स हैं ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, स्काई टैक्स अवार्ड 2024 में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसे मिला है। तो देखिए, जो स्काई टेक अवार्ड 2024 में मिला है, यह मिला है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि लोकेटेड है दोहा। दोहा कहाँ है, यह कतर की कैपिटल, यहाँ पर ही यह हवाई अड्डा जो है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लोकेटेड है। इसको भी स्काई टेक अवार्ड 2024 में बेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो दोहा के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्काईटेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड में बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड अपने नाम किया है। और हमाद एयरपोर्ट ने 12 बार के चैंपियन सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को पछाड़ कर यह अवार्ड अपने नाम किया है। साथ ही लगातार दूसरी बार खरीदारी के लिए सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड भी इसी को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है दोहा के हमाद का। भारत का जो दिल्ली एयरपोर्ट है, यह बेस्ट एयरपोर्ट लिस्ट में इसमें 36वें पायदान पे है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में तिरंगी बर्फी को जीआई टैग मिला है, ये किस शहर से संबंधित है। तो देखिए, जो तिरंगी बर्फी है आप यहाँ पर देखिए, ये 3 कलर में है, सफ़ेद, केसरिया और हरे। तो ये तीनों कलर की जो बर्फी है इसको तिरंगी बर्फी के नाम से जाना जाता है। ये है उत्तर प्रदेश की वाराणसी जिले की बर्फी, जिसको भी जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक, और देखिए जो बाकी के ऑप्शन हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन शहरों को भी अभी कोई ना कोई प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। जैसे कि अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी में बेसन के लड्डू मिलते हैं, बेसन के लड्डू, इनको भी जीआई टैग मिला है। पीलीभीत की जो बांसुरी है, पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। और गोरखपुर के जो मिट्टी के बर्तन हैं जिनको टेराकोटा के नाम से जाना जाता है, टेराकोटा, इनको भी जीआई टैग मिला हुआ है। यदि हम बात करें जीआई टैग की, तो जो जीआई टैग होता है यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके देने का मेन पर्पज़ क्या है, तो उस प्रोडक्ट को किसी स्थान विशेष की ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह दिया जाता है। और देखिए, भारत का जो पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, यह है दार्जिलिंग चाय जो कि वेस्ट बंगाल की है।
इसको मिला है GI टैग, और 2004 में इसको यह मिला है GI टैग, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए जो बाकी के एडिशनल पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। तो अभी तक बनारस क्षेत्र के कुल 34 उत्पादों को GI टैग मिला है, और उत्तर प्रदेश के 75 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया जा चुका है। भारत में सबसे अधिक GI टैग वाला जो राज्य बन गया है अब उत्तर प्रदेश बन गया है। तमिलनाडु जो है ये दूसरे पायदान पे है। तमिलनाडु के टोटल 58 प्रोडक्ट जो है उनको GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है वो भी 75 है, तो आप 75 को रिलेट कर सकते हैं ताकि आप इन फ्यूचर भूलें ना। और सबसे अधिक जो GI टैग वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। इस राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। आधिकारिक भाषा यहाँ की हिंदी और उर्दू है। विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, और देखिए यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी संख्या है 100। जिलों की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि जो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था। तो अभी भारत ने इसमें टोटल 9 पदक जीते हैं, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स जो हैं उनको भी देख लेते हैं। तो 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन 11 से 16 अप्रैल 2024 तक किर्गिस्तान की जो कैपिटल है बिश्केक यहाँ पर किया जा रहा था। वरिष्ठ भारतीय कुश्ती टीम ने 20वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में टोटल 9 पदक जीते हैं, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य शामिल हैं। चैंपियनशिप में टोटल 30 भारतीय पुरुष और महिला पहलवानों ने भाग लिया था, यह संख्या आपको याद रखना है। बाकी ये जो PDF आपको मिल जाएगी इसमें सबसे पहला जो पदक जीता है वो जीता है उदित ने, रजत पदक जीता है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में, यह आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 103 वर्ष की आयु में दलीप सिंह मंजेठिया का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यह पायलट थे। इमेज आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं, अभी 103 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और देखिए यह देश के सबसे उम्रदराज फाइटर पायलट और उद्यमी स्क्वाड्रन लीडर थे। अभी इनका 15 अप्रैल 2024 को 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यदि हम बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करें तो देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हस्ती हैं संगीत का, जिनका नाम है के जी जैन। अभी इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और एक महान वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक, जिनका नाम है पीटर हिक्स, जिनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और जाने माने तमिल अभिनेता विश्वेश्वर राव, इनका भी 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये चारों जो निधन अभी जल्द ही हुए हैं इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह जो टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड है इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश में, ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए जो सिंगापुर है इसने 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने थे उनकी मेज़बानी के लिए मना कर दिया है। और जो रोमानिया है यहाँ पर दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया गया है। और देखिए जो इजराइल है, इजराइल ने अभी ऐतिहासिक परमाणु कानून पारित किया है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं। बांग्लादेश जो है इसकी कैपिटल ढाका है, करेंसी टका चलती है, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं बांग्लादेश के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। और सबसे लंबी जो सीमा है भारत बांग्लादेश के साथ
साझा करता है, जो कि 4096.7 किलोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट, DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए जो मूल्यांकन केंद्र है, इसका नाम है स्पेस, इसका उद्घाटन अभी किया गया है इडुक्की में, जो कि है केरल में। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, जो DRDO है, DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जनवरी 1958 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में लोकेटेड है। वर्तमान में जो DRDO चीफ एंड कराम है समीर बी कामत, ठीक। बाकी के यदि ऑप्शंस की बात करें तो देखिए, जो नई दिल्ली है, यहाँ पर अभी जो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने होम्योपैथी संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में किसने? भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और जो झारखंड का रांची है, यहाँ पर अभी राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया है। झारखंड के रांची में। और जो पुणे है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर योग महोत्सव 2024 का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो विश्व का जो पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन है, ये नाइजीरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। मेनिनजाइटिस बीमारी जो है, ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है। इसके बारे में जो विश्व का पहला वैक्सीन है, ये लॉन्च किया गया है नाइजीरिया के द्वारा। और देखिए, जो भारत है, ये मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पे है, साथ ही साथ मोबाइल जो निर्माता है सबसे बड़ा, वो भी अपना देश भारत है। दुनिया में जितने भी मोबाइल का निर्माण किया जाता है, वो सबसे अधिक भारत में होता है, साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है। जापान जो है, यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश बना है पहला, जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने का फैसला लिया है। और जो बांग्लादेश है, यहाँ पर अभी पोइला बैसाख उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया है, पोइला बैसाख, ठीक। नाइजीरिया जो है, राजधानी अबुजा है, करेंसी यहाँ पर नाइजीरियाई नायरा चलती है, और राष्ट्रपति हैं बोला टिनुप नाइजीरिया के। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो येलो सेडेड पोर्शन है, यह है नाइजीरिया का मैप। नेक्स्ट, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो अभी टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में शामिल किया गया आलिया भट्ट को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। आलिया भट्ट जो है, ये फेमस एक्टर हैं। और देखिए, जो नयनतारा हैं, इनको स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संजना सांघी जो है, इनको स्पेस इंडिया जो है, जो इसरो की एक फर्म है, स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कॉमेंट सेक्शन में। सो ये रही मेरी आज की क्लास, आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।